तबलीगी जमात के लोगों की बदतमीजी पर अभिनेता से लेकर राजनेता तक सभी लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां एक तरफ इस जमात के लोगों ने कोरोना वायरस के संकट को और ज्यादा बढ़ाया है, तो वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित तबलीगी जमात के लोग अब डॉक्टर और नर्सों के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसके चलते देश में तबलीगी जमात के लोगों के लिए लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी तबलीगी जमात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज ठाकरे ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस बारे में बात की है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। राज ठाकरे ने कहा, मरकज में शामिल ऐसे लोगों की बदतमीजी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, इसीलिए इनका इलाज करने की जरूरत नहीं है बल्कि इन्हें गोली मार देनी चाहिए। वहीं जमात के लोगों के थूक लगाकर वायरस फैलाने की कोशिश को लेकर राज ठाकरे बोले, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे घटिया काम करने वाले ध्यान रखें, लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी हम यही हैं। गौरतलब है कि निजामुद्दीन मरकज में हजारों की संख्या में तबलीगी जमात के लोग छिपे हुए थे, जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण पाए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने इस मरकज को खाली करवाई है। इस दौरान कई लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है तो कई लोगों को सीधा अस्पताल ले जाया गया है जहां पर इनका इलाज हो रहा है, लेकिन यहां पर भी इन लोगों की शर्मनाक हरकत सामने आ रही है। गाजियाबाद के MMG अस्पताल में भर्ती जमाती लगातार अस्पताल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वहीं पुणे से 10 तबलीगी जमात के लोग क्वारंटाइन से फरार हो गए हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने लोगों की जांच भी शुरू कर दी है।